भिवानी में एक प्रवासी नाबालिग लड़की को शादी के बहाने 2 लाख रुपए में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यही नहीं, नाबालिग को उसके तथाकथित पति ने घर में नजरबंद रखा था। पीड़िता मौका पाकर घर की छत से कूदकर इस कैद से आजाद हुई। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तथाकथित सास को गिरफ्तार कर लिया है और नाबालिग के परिजनों को भिवानी बुलाया है। उस नाबालिग लड़की द्वारा जो बयान दिया गया था उसके संबंध में शहर थाना में एक अभियोग अंकित किया गया है। वह नाबालिग लड़की है और जो उसने आरोप लगाए गए भी उसको बेचा गया था 2 लाख रुपए में, उसी संबंध में तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। उसके परिवारजन अभी तक यहाँ हाजिर नहीं है, उनको बुलाया गया है। उसके पिता से संपर्क करके वो लड़की उड़ीसा की रहने वाली मालूम हुई है। अभी तक उसके परिजनों से संपर्क करके उन्हें यहाँ तलब किया जा रहा है। जब वो पहुँचेंगे तो उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा कि जो लड़की द्वारा आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सत्यता है या कितनी नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि भी वह लड़की छत से कूद गई थी जिसके कारण उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और उसका अभी इलाज करवाया जा रहा है। इसी संबंध में उसने अपने सास और अपने घर वाले पर आरोप लगाए हैं कि भी वो उनके साथ मारपीट करते थे और उसके साथ अभद्र व्यवहार करते थे, जिसकी तस्दीक की हो चुकी है। उसकी जो सास है शकुंतला देवी, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है और अदालत में पेश किया जाएगा। जबकि अन्य जो इसमें दोषी पाए जाएंगे लोग उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।